नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जम्मू आपको लिए चलेंगे, जहां पर आप देखिए किस तरह से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है और अमरनाथ यात्रा की पंजीकरण की प्रक्रिया ने जोर पकड़ लिया है। पहलगाम और बालटाल रूट के लिए पंजीकरण हो रहा है। टोकन मिलने के बाद ही शिव भक्तों का यहाँ पंजीकरण किया जा रहा है और प्रशासन के अधिकारियों की देखरेख में पूरी औपचारिकता के साथ ही यहाँ काम किया जा रहा है। साथ ही साथ आप देखिए किस तरह से बाहर से श्रद्धालुओं के जम्मू कश्मीर में पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है। पवित्र अमरनाथ यात्रा इस साल 30 जून से शुरू हो रही है और अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इसके लिए पूरी तरह से तैयारियां कर ली है। प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर आधार शिविर और पवित्र गुफा तक किस तरह से बंदोबस्त होने चाहिए वो देखते ही बन रहे हैं। पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को रखा गया है। शिव भक्तों के लिए लंगर व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर रास्ते में भी किस तरह से रुकने की व्यवस्था की गई है, मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई गई हैं और उसके साथ ही कोरोना महामारी के चलते 2 साल यहाँ पर यात्रा नहीं हुई थी, लेकिन अब इस साल अमरनाथ यात्रा की प्रक्रिया को किस तरह से शुरू किया गया ये साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। प्रशासन के अधिकारियों की देखरेख में यहाँ पूरा काम हो रहा है। अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण की प्रक्रिया ने अब जोर पकड़ लिया है। पहलगाम और बालटाल रूट के लिए पंजीकरण हो रहा है और टोकन मिलने के बाद ही शिव भक्तों को आगे बढ़ने की इजाजत होगी। पहले पंजीकरण और उसके बाद आगे की पूरी कार्यवाही। और उसके साथ साथ देखिए हिंदू समाज ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज भी पूरी तरह से अपना भाग देता हुआ नजर आ रहा है। बाबा बर्फानी के दरबार तक पहुंचने के लिए किस तरह से यहाँ पर लोकल्स जो है वो भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर समझिए कि पिछले 2 सालों से आम लोगों का भी कारोबार ठप था और कारोबारियों का भी काम पूरी तरह से ठप था, लेकिन अब यहाँ कहीं ना कहीं कारोबार पटरी पर लौटता हुआ जरूर नजर आएगा। रितिका हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है। रितिका से ही जानेंगे कि अमरनाथ यात्रा की जो पंजीकरण यहाँ पर हो रहा है, प्रक्रिया जो चल रही है वो किस तरह से चल रही है। रितिका, क्या कामेश्वर मंदिर में ही मौजूद है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त हम वहीं पे परिसर में मौजूद है। दिखाइए कैमरा घुमाकर वहाँ पर किस तरह से सुविधाएं रखी गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम यात्री जो है वो इस वक्त रजिस्ट्रेशन के लिए किस प्रकार से लाइनों में लगे हुए हैं और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन के लिए जितने भी एम्प्लॉइज यहाँ पे बैठे हुए हैं वो पूरे तरीके से कॉस्ट यहाँ पे की गई है और लगातार रजिस्ट्रेशन यहाँ पे की जा रही है। रितिका, अब सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरह से आप देखिए भारी तादाद में बाहर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, लेकिन कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि सही से नहीं हो रही है, क्या उसको लेकर कोई बातचीत करना चाहेंगी, क्योंकि मुकम्मल तरीके से प्रशासन के भी आला अधिकारी मौजूद हैं हर जगह पर? आपको बता दें, वो समस्या तब आएगी जब टोकन दिए जाते हैं, क्योंकि मैंने टोकन दिए जाते हैं तो वो टोकन जब खत्म हो जाती है, जो एक लिमिटेशन प्रोसेस खत्म हो जाती है, उसके बाद जो यात्री आते हैं उन्हें वो टोकन नहीं दिए जाते, तो वो सीधा सिर्फ उन यात्रियों को बोल रही है टोकन आज ही चाहिए और आज नहीं मिल रहे, जबकि निर्देश के हिसाब से एक दिन में सिर्फ 2,000 यात्रियों को टोकन दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। रितिका, ये बताइए कि कल सुबह पहला जत्था जो है वो रवाना किया जाएगा और आधिकारिक तौर पर 30 जून से ही यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन कल जो पहला जत्था यहाँ से रवाना किया जाएगा उसको लेकर किस तरह से यहाँ पर बंदोबस्त किए गए हैं, गाड़ियों को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी, आपको बताना चाहेंगे कि पहला जत्था जो जाने वाला है, सबसे पहले सवाल आता है कि सुरक्षा व्यवस्था का 50,000 अर्धसैनिक बलों को जम्मू और कश्मीर में तैनात किया गया है ताकि गाड़ियां जो यात्रियों को लेके जाने वाली है पहला जत्था जो की पूरे तरीके से कामयाब होना चाहिए, उस जत्थे के साथ सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। जम्मू से लेके श्रीनगर तक पहुंचाने का पूरा कार्य किया जाएगा। आगे बालटाल और पहलगाम के रूट से यात्रा को पहुंचाया जाएगा। जगह जगह में चेकिंग पॉइंट लगे हैं, जगह जगह में साथ में सुरक्षा व्यवस्था की गाड़ियां जो है जो भी सरकार की तरफ से गाड़ियां की गई है उसके साथ तमाम जो अर्धसैनिक बल है
और रितिका, जिस तरह से उत्साह देखा जा रहा है श्रद्धालुओं के अंदर, किसी श्रद्धालु से बातचीत हुई है, उनका क्या कुछ कहना था, कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि 2 साल के बाद एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है? बताना चाहूंगी कि हमारी बातचीत यहाँ पे यूपी से आए हुए यात्रियों से हुई है, महाराष्ट्र से आए हुए यात्रियों से है, पंजाब, हरियाणा और भी अनेकों राज्यों से आए हुए यात्री यहाँ पे मौजूद है, जिनसे हमारी बातचीत हुई है और कोई उत्साहित है क्योंकि 2 से 3 साल के बाद अमरनाथ यात्रा होने को जा रही है और यहाँ पे जो अरेंजमेंट है उनको लेके भी एक संतुष्टि जो है वो यात्रियों में देखने को। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि कामेश्वर मंदिर से ही रितिका हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो पूरी जानकारी दे रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो आधार शिविर के अंदर काम हो रहा है और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि कल पहला जत्था जो है वो रवाना किया जाएगा और आधिकारिक तौर पर यहाँ 30 जून से ही यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन अब आप देखिए, बाहर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उत्साह काफी ज्यादा है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा के हवाले से ही अपडेट दे देते हैं कि किस तरह से ग्राउंड पर यहाँ पर हालात बने हुए हैं। पंजीकृत शिव भक्त ही यहाँ आधार शिविर में दाखिला पा पकड़ाएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि आधार शिविर में पहुंचने वाले बाबा बर्फानी के भक्तों में काफी उत्साह देखा गया है। श्रद्धालुओं के लिए बंदोबस्त यहां पर हर तरह के कर दिए गए हैं और कल सुबह 4 बजे यहां यात्रा का पहला जत्था रवाना होगा और उसके साथ साथ आप देखिए भारी मात्रा में श्रद्धालु बाहर से जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं और काफी उत्साह उनके अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल जितने भी श्रद्धालुओं के साथ मुलाकात की गई, संवाद किया गया, उनका साफ तौर पर कहना था कि हर तरह के बंदोबस्त जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, एहतियात तौर पर यहाँ पर सारी कमियां जो है वो पूरी की गई हैं, सुख सुविधाओं का अभाव बिल्कुल भी नजर आता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन आधार शिविर में पहुंचने से पहले ही यहाँ देखिए किस तरह से सुविधाएं जो है वो देखने को मिल रही है। पंजीकृत शिव भक्त ही आधार शिविर में दाखिल हो पाएंगे। आधार शिविर में पहुंचने के लिए अब आप देखिए बाबा बर्फानी के भक्त किस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए हर तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए और कल सुबह 4 बजे पहला जत्था रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे जत्थे में कितनी संख्या रहेगी श्रद्धालुओं की, इस पर भी जानकारी यहाँ पर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर आधार शिविर से जो पहला जत्था दूसरा जत्था यहाँ पर रवाना किया जाएगा तो एक जत्थे के अंदर कितने लगभग के श्रद्धालु जो है वो भेजे जाएंगे। लेकिन अब आप देखिए किस तरह से बाबा भोलेनाथ के जयकारे यहाँ पर श्रद्धालु लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आधार शिविर की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए उत्साह कितना लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है और पूरी तरह से बाबा बर्फानी के भक्त जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जम्मू कश्मीर का रुख उनकी तरफ से किया गया है, सुख सुविधाओं का किस तरह से ख्याल रखा गया है वो भी देखते ही बन रहा है। लेकिन इस बीच में अनिल हमारे संवाददाता ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अनिल आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरह से बताया भी गया है कि पंजीकृत भक्त ही यहाँ पर दाखिला ले पाएंगे, लेकिन उस बीच में सबसे पहला सवाल यही रहेगा अनिल कि पहला जत्था जो सुबह 4 बजे रवाना होगा, किस तरह से अरेंजमेंट्स वहां पर किए गए हैं और पहले जत्थे में लगभग कितने श्रद्धालु रहने वाले हैं? आपको बताना चाहूंगा कि श्रद्धालु इस समय लगातार उनकी उत्साह जो है वो देखने को जरूर मिल रहा है और इस वक्त जम्मू के यात्री भवन का श्रद्धालुओं का धीरे धीरे यहाँ पर आना श्रद्धालु रवाना किए जाएंगे और इस समय तक पूरी तरह से तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि लंबी लंबी कतारें यहाँ पर आपको जरूर देखने को मिल रही होगी। और इस तरह सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर चौक चौबंद यहाँ पर किया गया है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ के जवान हो और उसके साथ साथ तमाम फोर्सेस को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से लंबी कतारों में यहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। मैं बातचीत जरूर करवाना चाहूंगा, कितना उत्साह है, लगभग 2 साल के बाद ये यात्रा यहाँ पर शुरू हुई है और कितना यहाँ पर उम्मीदें लगाकर यहाँ पर पहुंचे, कहाँ से आए आप? झारखंड से। लगभग 2 साल के बाद ये यात्रा शुरू हो रही है, कितना उत्साह है और आज बहुत तरह से देखिए और इस बार बहुत जय बाबा बर्फानी। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं? काबिल-ए-तारीफ। देखिए आशा जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो काबिले तारीफ है। इससे भी बातचीत करना चाहिए, आपका नाम, आप कहाँ से आए? झारखंड से आए। झारखंड, क्या नाम आपका?
कल पहले जत्थे में आप जा रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं व्यवस्था को और कितना उत्साह है आपके अंदर और आपके पूरे परिवार के अंदर? सर हम लोग तो पहली बार आ रहे हैं बाबा बरसानी का दर्शन के लिए, व्यवस्था देख के मन गदगद है। हम लोग चाहते हैं कि बाबा का दर्शन करके अच्छे से कर जाए। क्या कुछ बाबा जी से आप मांगते हैं और क्या मनोकामना करते हैं? बाबा जी से कहीं भी मांगे हर एक मनोकामना पूरा होगा। अनिल सवाल कीजिए कि जम्मू कश्मीर के लिए हर वक्त यहाँ पर जो बताया जाता है कि माहौल सही नहीं है, माहौल खराब है, जम्मू कश्मीर में जाने के लिए सोचना है, भक्तों का क्या कुछ कहना है क्योंकि वो खुद ग्राउंड पर पहुंचे हुए हैं और स्थिति का पूरी तरह से आंकलन भी कर रहे हैं? देखिए स्थिति की बात की जाए, डर और भय की बात की जाए, तो कुछ देर पहले मेरी श्रद्धालुओं से बातचीत जरूर हुई है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमारे अंदर कोई डर और कोई भय नहीं है। जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर कुछ दिनों पहले स्थिति जिस तरह से बनी थी और उस और डर और भय के हटाकर यहाँ पर लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मैं एक बार बातचीत करवाना चाहूंगा, आप किस तरह से देखते हैं, आप कहां से और क्या नाम है? गुरु जी किस तरह से देखते हैं? आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में कश्मीर घाटी के हालात आपको देखते होंगे, तो क्या डर कोई भय अभी आपके मन में? हमारे लिए और एक अच्छे तारीखे के साथ आप जा रहे हैं, कोई देखिए आशा जी आपने सुन लिया होगा कि कोई डर और कोई भय नहीं है और हम बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाएंगे और इसी तरह से जाते रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है और लगातार ताता यहाँ पर लगा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, चप्पे चप्पे पे सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए। फुल फ्रेम में दिखा लीजिए आधार शिविर जो अनिल दिखा रहे हैं। जी अनिल, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो त्रिनेत्र का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। त्रिनेत्र का यही मतलब है कि आपको ड्रोन के जरिए हो या जमीनी सतह पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हो, चाहे वो जंगल के इलाके हो, तो सुरक्षा कर्मी आपको चप्पे चप्पे पर तैनात रखेंगे। और इस यात्रा भगवती नगर आधार शिविर से ही अनिल जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं और आपने देखा सुरक्षा व्यवस्था वहां पर किस तरह से चाक चौबंद रखी गई। अनिल बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि पल पल की अपडेट आपको अमरनाथ यात्रा के हवाले से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। आधार शिविर से भी आपने देखा, कामेश्वर मंदिर से भी आपने देखा कि किस तरह से वहां पर इंतजाम जो है वो देखे गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जहां पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती है, लेकिन उस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली गई है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको नेशनल हाईवे की तरफ से भी अपडेट दिखा देते हैं क्योंकि कल जब पहला जत्था रवाना होगा तो नेशनल हाईवे से ही होगा और जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पहाड़ों से लटके हुए पत्थर जो है वो हादसे को न्योता देते हुए नजर आ रहे हैं। उधमपुर में तोलडी नाला इलाके में पहाड़ से पत्थर किसी भी वक्त यहाँ खिसक सकते हैं और बाबा अमरनाथ श्रद्धालुओं का पहला जत्था इसी इलाके से होकर गुजरेगा। और इस वक्त अब सवाल यहां पर यह बन रहा है कि क्या नेशनल हाईवे कल पूरी तरह से खुला रहेगा या नहीं, किस तरह से वहां पर भी काम किया जा रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से, ये बड़ा सवाल क्योंकि उधमपुर में तोलडी नाला इलाके में कुछ दिन पहले आपने देखा किस तरह से पूरा पहाड़ खिसक कर नीचे आ गया था। ये पहले की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और अभी ताजा तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर पहले पूरी तरह से पहाड़ गिर जाता है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी और प्रशासनिक अमला पूरी तरह डटता है, काम वहां पर होता है और रास्ते को खोल दिया जाता है। और इसी तरह कल जब सुबह 4 बजे जम्मू से पहला जत्था अमरनाथ यात्रा का रवाना होगा तो इसी रास्ते से रवाना होगा और उस वक्त वहां पर किस तरह से आप देखिए इंतजाम किए गए हैं वो साफ तस्वीरों में आपके सामने। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पहाड़ों से लटकते हुए पत्थर अब किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं और इससे पहले भी कई वीडियो जो है वो वायरल हुई जिसमें बताया गया था, दिखाया गया था कि पत्थर किस तरह से पहाड़ों से खिसक रहे हैं। उसके साथ साथ बाबा अमरनाथ के श्रद्धालुओं का पहला जत्था इसी रास्ते से रवाना होगा लेकिन प्रशासनिक अमला जो है वो किस तरह से डटा हुआ है वो भी सबके सामने है। लेकिन इस वक्त वहां पर ताजा हालात क्या कुछ हैं वो भी जानकारी लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा कि किस तरह से नेशनल हाईवे मौसम खराब होने के बाद यहां खराब स्थिति जो है वो बन जाती है और अक्सर अमूमन इस तरह से घटनाएं देखने को मिलती हैं। नेचुरल डिजास्टर है, इससे लड़ा तो नहीं जा सकता लेकिन पूरी तरह से एहतियात जरूर बरती जा सकती है क्योंकि इस वक्त आप देखिए पहाड़ों से जो लटकते हुए पत्थर है वो किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश उनकी वजह से आ सकता है। लेकिन उस पर प्रशासन ने किस तरह से काम किया है इसी पर जानकारी लेंगे। किशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, कल सुबह पहला जत्था 4 बजे जम्मू से रवाना होगा और इसी रास्ते से रवाना होगा, प्रशासन की तरफ से नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से क्या कुछ काम किया गया वहां पर? जी
यातायात के लिए पूरी तरह से बंद रहा, लेकिन सरमोरी और टोल्टी नाले में बीच की मैं बात करूं, आपने साफ उस देखा था कि वहां पे जो नेशनल हाईवे पार्टी जानी थी, जो मशीनरी वहां पे कार्य कर रही थी, काम जोरों शोरों से चल रहा था। लेकिन अभी की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, तस्वीरों में आपने साफ देखा कि कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े जानी थी, जो पूरा का पूरा जो पहाड़ था वो रास्ते राजमार्ग पर आके गिरा था, लेकिन वहां पे काम जरूर किया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल जरूर किया गया। लेकिन कल इसी रास्ते राजमार्ग से अमरनाथ यात्रा गुजरती है, जितना सुरक्षित अमरनाथ यात्री है वो कहीं ना कहीं आप जानते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, त्रिमोली की मैं बात करूं, इसी तरह से जो बड़े बड़े पत्थर जानी के जो बोल्डर हैं वो उसी तरह से आगे पे लड़ते हैं, पर रास्ते से जो है वो कोई कश्मीर की तरफ जा रहा है या कश्मीर से जम्मू की तरफ आ रहा जा रहा है। सिर्फ अमरनाथ यात्रियों की बात नहीं है, लेकिन एक तरफ जिला प्रशासन ये कह रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखिए उधमपुर से चनैनी तक की मैं बात करूं, 5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन 5 सालों में आपने देखा कि राष्ट्रीय राजमार्ग आज की स्थितियों में रहा, क्योंकि लोगों ने कई रास्ते जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग में। नेशनल हाईवे जब भी मौसम खराब होता है उस वक्त बंद हो जाता है, नेशनल डिजास्टर है, प्रकृति के साथ कोई लड़ नहीं सकता है, लेकिन एहतियात बरतना जरूरी था। क्या उन पत्थरों के लिए कोई एहतियात वहां पर प्रशासन की तरफ से बरता गया कि अगर कोई पत्थर नीचे आ रहा है या फिर वन वे रास्ते को खोला गया, किस तरह से काम किया गया? बिल्कुल देखिए, उस सरमोली और टोल्डी की मैं बात करूं, आपने साफ देखा था कि हम लेकिन अभी भी आशा मैं उस इलाके की मैं बात करूं, उसी तरह से जो बड़े बड़े पत्थर हैं आधे पे लड़के हैं और नीचे से जो है वो गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन वहां पे जो नेशनल हाईवे जाने की जो गैमन की मशीनरी है वहां पे काम जरूर इस वक्त भी जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन उस दिन आपने ये साफ देखा था कि सिंगल वे वहां पे बनाया गया। आज किसी की तैनाती वहां पर की गई है? प्रशासनिक का कोई आला अधिकारी वहां पर पहुंचा है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से कुछ लोगों को वहां पर तैनात किया गया कि सुबह जब पहला जत्था वहां से निकलेगा तो किस तरह से इंतजाम होने चाहिए? देखिए, हमने अपनी जहाँ पे प्रशासन के जो लोग हैं वो यहाँ पे खड़े किए गए हैं, लेकिन सरमोली टोल्डी की मैं बात करूं वहां पे आपको जो नेशनल हाईवे जानी जो गैमन के जो वहां पे लोग वहां पे कार्य कर रहे हैं, जरूर वहां पे मिशनरी। चलिए किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि प्रशासनिक अमला जो है वो जखैरी नाके पर जरूर डटा हुआ है, लेकिन इस बीच में आप देखिए सरमोली और टोल्डी नाला के पास भी यहां तैनाती होना बहुत जरूरी है, जहां पर आप देखिए किस तरह से बताया जा रहा है कि पत्थर यहां लटकते हुए नजर आ रहे हैं जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं। तो इस पर गौर फरमाने की जरूरत है, क्योंकि कल पहला जत्था जम्मू से रवाना हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे, और जिला सांबा में भी देखिए पानी की किल्लत किस तरह से देखने को मिल रही है। सांबा में पीने के पानी के लिए लोगों को अब यहां दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। पीएचई डेली वेजरों की हड़ताल का पानी की सप्लाई पर असर पड़ गया है, और लोगों को 4-5 दिन बाद विभाग यहां पर पानी की सप्लाई कर रहा है। गर्मी और उमस भरा मौसम भी जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। एक तरफ तपती हुई धूप और दूसरी तरफ पानी न मिलना एक बड़ा, आप देखिए किस तरह से सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है कि आखिर जल शक्ति विभाग किस तरह से काम कर रहा है, एलजी प्रशासन ने यहां पर किस तरह से काम किया, क्योंकि सांबा में पीने के पानी की वजह से अब लोगों में हाहाकार देखा गया है। साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से रोष प्रदर्शन लोगों के अंदर, पीएचई डेली वेजरों की हड़ताल लगातार जारी है, और पीएचई डेली वेजर्स की जो हड़ताल है वो जारी होने का खामियाजा आम जनता भुगतती हुई नजर आ रही है। सांबा में पीने के पानी की किल्लत और साथ ही साथ हड़ताल का खामियाजा यहां पर आम जनता भुगत रही है, जिसमें एलजी प्रशासन को गौर फरमाने की जरूरत है। एक तरफ आप देखिए अमरनाथ यात्रा के जुड़े हुए श्रद्धालु जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जनता पानी की वजह से त्राहिमाम त्राहिमाम करती हुई नजर आ रही है। साफ तस्वीरों में देखिए आम जनता में किस तरह से रोष देखा गया। पीएचई के जो डेली वेजर्स हैं वो हड़ताल को अपनी किस तरह से कायम करते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार अपनी मांगों को सामने रखा गया, लेकिन इस पर गौर नहीं फरमाने का खामियाजा आम जनता आज भुगत रही है। साफ तौर पर देखिए 21 जून से ही हड़ताल पर जाने का फैसला लिया गया, और अब पानी बंद करने की भी जो चेतावनी दी थी उसका खामियाजा सांबा की जनता भुगत रही है। ऋषि खजूरिया ने हमारे साथ ज्वाइन किया। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से 21 जून को भी बताया गया, इससे पहले भी कई बार पीएचई के जो डेली वेजर्स हैं उन्होंने चेतावनी जारी की, लेकिन अब तो ग्राउंड पर इसके हालात देखने की
आप देखिए किस तरह से एक मिसाल जो है वो कायम हो रही है और काफी तरीके से आम जनता त्राहिमाम कर रही है। देखिए बिल्कुल आशा, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार फेस मैनर में यहाँ पर हड़ताल जो वो की जा रही है तमाम पीएचई डेली वेजेस की तरफ से अपनी मांगों को लेकर, और इसका जो असर है ये आम जनता के ऊपर कहीं ना कहीं पड़ना शुरू हो चुका है। अगर पानी की बात करें तो पानी को लेकर लगातार हर एक एरिया में हाहाकार मचा हुआ है और पानी की सप्लाई जो है ये ग्राउंड पर देखे तो 5 से 6 दिन के बाद एक बार जो है वो सुचारू रूप से मिलती है और उसका भी कोई वक्त निर्धारित नहीं है। कई बार तो देर रात को भी यहाँ पर पानी की सप्लाई जो वो छोड़ी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह से पीएचई डेली वेजेस तमाम इस समय सड़कों पर हैं और अलग अलग फेस मैनर में ये हड़ताल की जा रही है। पहले 48 घंटे की हड़ताल की कॉल दी गई और काम छोड़ो ये हड़ताल थी, लेकिन उसमें भी अगर देखें तो हायर के मसलों को टेकअप नहीं किया है। उसके बाद इस हड़ताल को दोबारा से एक्सटेंड किया गया, लेकिन कल जो हड़ताल सांबा में देखने को मिली है, जिला सांबा के हर एक नुक्कड़ से तमाम डेली वेजेस जो वो एक जगह पर इकट्ठा हुए और भारी तादाद में उन्होंने एक बड़ी विशाल रैली जो वो आयोजित की और वो सीधी चेतावनी थी जम्मू कश्मीर प्रशासन को कि हमारी बातों को सुन लिया जाए, नहीं तो इससे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे और उसकी जिम्मेवारी आप सबकी होगी यानी प्रशासन की होगी, हम बच्चों के साथ बीवी बच्चों के साथ सड़कों पर आएंगे। और दूसरी तरफ इससे पहले आप देखिए बार बार पहले भी अपने परिवार के साथ पीएचई डेली वेजर्स जो हैं वो धरना प्रदर्शन करते आए हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन एलजी प्रशासन की तरफ से इस पर कोई गौर नहीं फरमाया गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि अमरनाथ यात्रा से जुड़े हुए श्रद्धालु जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं, इस बीच में आम जनता के बारे में भी सोच विचार करने की जरूरत है प्रशासन को। देखिए बिल्कुल ये जो संदेश बाहर जाएगा ये काफी गलत संदेश जाएगा और जिस तरह से अमरनाथ यात्रा भी अब मात्र कुछ घंटों के बाद शुरू हो रही है तो यहाँ पर जमीनी सतह पर देखें तो यहाँ पर काफी ज्यादा प्रभावित जो है वो यात्रा भी हो सकती है पानी ना मिलने से, क्योंकि आपने जम्मू में भी देखा कि किस तरह से अब म्युनिसिपैलिटी के दायरे में जो वो पानी खोलने की जो एक अलग अलग तरह की नीतियां वो अपनाई जा रही है। लेकिन अगर ग्राउंड पर देखें ओवरऑल जो बाहरी आउटस्कर्ट्स में देखें, खासतौर पर मैं सांबा का जिक्र कर रहा हूँ, तो सांबा जिला का हर एक इलाका जो इस समय प्रभावित हो रहा है पानी की सप्लाई से, क्योंकि पानी नहीं मिल पा रहा और साफ तौर पर पीएचई डेलीवेजन ने कल भी अपने अधिकारियों को यह कह दिया कि हमें तंग ना किया जाए, हमारी हड़ताल इसी तरह से रहेगी और जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम इसी तरह से हड़ताल जारी रखेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे। और बीजेपी को भी ये चेताया है कि बीजेपी को भी सबक सिखाया जाएगा आने वाले चुनावों में कि 61,000 जो डेली वेजर है वो इलेक्शन में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर लगातार ये इनको आश्वासन दिया कि हमारी सरकार जब सत्ता में होगी तो हम आपका मसला हल करेंगे, लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा। और आप देखें कि इस गर्मी भीषण गर्मी में यहाँ पर पानी को लेकर लगातार हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन प्रशासन को चाहिए था यहाँ पर संज्ञान लिया जाए, लेकिन अभी तक प्रशासन भी मूक दर्शक बनकर जो वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, जो कि इस तरह का संज्ञान कोई भी नहीं लिया जा रहा जो इनके फेवर में हो। और यहाँ पर पानी जो वो 5 से 6 दिन के बाद एक बार लोगों को मिल रहा है तो इस गर्मी में किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करना है ये भी एक बड़ी चुनौती जो वो बन चुका है। ऋषि बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जिला सांबा के अंदर लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कोई दोराय नहीं है, क्योंकि आज के रोजमर्रा के समय में आप देखिए पानी के बिना कोई भी काम नहीं हो रहा और जिस तरह से उमस भरी गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से भी हाहाकार मचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पीजीएचई जो डेली वेजर्स है उन्होंने धरना प्रदर्शन तो किया ही लेकिन इस बीच में हड़ताल भी शुरू कर दी है और अब हड़ताल का खामियाजा आम जनता भुगत रही है, जिस पर गौर फरमाने की जरूरत है, प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब जिला उधमपुर की तहसील मजालता में मिनी बस से पलटने से 16 यात्री घायल हो गए हैं और हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया और घटनास्थल पर जो घायल हैं उन्हें मजालता में स्थित अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ये मिनी बस मजालता से मनवाल जा रही थी और इस दौरान मिनी बस से चालक का नियंत्रण खो जाने की वजह से ये बड़ा हादसा पेश आया। तो रियासी में खनन विभाग की लापरवाही से एक मासूम की जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक माइनिंग ब्लॉक नंबर 7 में पानी लेने गए बच्चे पर यहां पैर फिसलने की वजह से वो खाई में गिर गया है, जिससे उसकी मौत हो गई और आरोप लग रहे हैं कि नियमों का उल्लंघन करके खाई में से अधिक खनन किया गया। वहीं परिवार को जब इसकी सूचना मिली तो कोहराम मच गया और परिवार का रो रोकर बुरा हाल हो गया है और मासूम की मौत पर परिजनों का कहना है कि ये मौत नहीं माइनिंग डिपार्टमेंट की नालायकी से यहां पर मासूम की हत्या हो गई है और अगर डिपार्टमेंट समय रहते इन गड्ढों को भर देता और गड्ढों को यहां पर दिए गए पैमाइश के आधार पर निकलवाता तो मासूम की जान बच जाती।
ये तो आपको पता ही है कि हमने ये मुद्दा कितनी बार उठाया है, आए दिन हम इस मुद्दे को हाईलाइट करते हैं, क्योंकि जहाँ के जो ठेकेदार हैं, जहाँ जो माइनिंग करने वाले हैं, मुझे लगता है वो किसी की सुनते नहीं है। आज भी तहसीलदार साहब सुबह आए थे, उन्होंने भी पूरा देखे, पूरा मैप बना के मैडम को दिया है, और हमारी शनिवार को मीटिंग थी मैडम के साथ पंचायत सीला में, तो जो हमारे एक्स पंच थे, जो मौजूदा पंच थे, जहाँ सरपंच एक्स थे, मौजूदा जो सरपंच थे, सब लोगों ने ये माइनिंग का इशू रखा और बताया कि इतने इतने खड्डे हो गए हैं कि अगर कोई किसी का भी हादसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें गाइडलाइन बता दो कि कितने नीचे डेप्थ में जा सकते हैं। तो मैडम ने शायद 1 मीटर के लिए बोला कि 1 मीटर तक ही उठा सकते हैं, तो आज देखो आपके सामने ही एक मासूम बच्चे की जान चली, ये तो सामने दिख रहा है, ये तो मर्डर ही है ना, एक मासूम बच्चे की जान चली गई। आज उस परिवार से पूछो जिनका एक बच्चा चला गया। बाकी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई मेरी आवाज़ को सुन रहा है तो इस मसले को हाईलाइट करें सब, और मेरी आवाज़ अगर एलजी साहब की सुन रहे हैं तो एक मासूम बच्चे की जान चली गई, खास तौर पर इस माइनिंग वालों को पूछा जाए। मैं तो कहती हूँ कि इस ब्लॉक को बंद किया जाए, क्योंकि ये हर बार किसी की बात नहीं सुनते, अपनी मनमानी करते हैं। अगर हम इतनी बार जहां आके इनको समझाया भी है कि इनका रास्ता बना दो कम से कम, क्योंकि ये सामने गोली है, बच्चे क्या सब पानी पीने जहां आते हैं, पानी लेने आते हैं, इन्होंने घर में आपको पता पानी तो चाहिए, किसी की भी जान जा सकती है, जहां माल मवेशी मर गया है। कि कितनी बार गाड़ियां सीज हो चुकी हैं और कितनी बार ये अंदर हो चुके हैं, इनके ऊपर कितनी बार FIR लग चुकी है, उसके बावजूद भी ये आवाज नहीं आए, उसके बाद भी माइनिंग चल रही है। अब अथॉरिटी दी हुई है, जो इनके मेंबर बने हुए कमेटी के, तहसीलदार साहब हैं, DMO साहब हैं, एक मेरे साहब से 2 महकमे हो रहे हैं। परसों भी हमारी जो DC मैम से मीटिंग हुई है, एक जलास हुआ है, बहुत बड़ा जलास हुआ है, उसमें भी हमने यही बात कही है कि अगर आपने ये ब्लॉक दिया हुआ है ठेकेदार को, बेचा हुआ है, तो उनका प्रॉपर, उनको बोलो कि यहाँ से प्रॉपर माइनिंग करें, जैसे अब की हुई है इन्होंने, कम से कम भी 10 फुट से ऊपर है। इस बात का हमें ये न्याय से दुख है कि किसी के बच्चे की जान चली गई इस मकाम पर। आज भी मैं खुद और मेरे साथ पुलिस वाले, आज हम सुबह 8 बजे से ही पूरे इस, ये परसों हमारा यहाँ ब्लॉक की व्यवस्था, उसमें ये पब्लिक ने इशू उठाया था, उसको रिड्रेस करने के लिए आज बस इस हादसे से ठीक आधा घंटा पहले हम यहाँ से निकले थे। बस हम अंजीम ब्रिज से लेकर और 12 दरी तक बिल्कुल अंजीम में से ही पैदल निकल कर आप वापस गए, ही हम रिपोर्ट लेके DC मैडम के पास पहुंचे तो तब तक हमें फोन आ गए पीछे हादसा हो गया। हालांकि इस बात का जिक्र हमने किया था, मौके पर ही माइनिंग डिपार्टमेंट के जो भी इम्प्लाइज हमारे साथ थे उनको हदायतें हुई थी कि ये जो खड्डे ज्यादा थे वो जो स्पेसिफाइड, आप ये मान रहे हैं कि नियमों की अवहेलना हुई थी, अवैध रूप से वो काम किया गया था, खड्डे कहीं ना कहीं ज्यादा, लेकिन ये कई महीने बेहतर जानते हो, पहले से भी आपको पता ही है कि आप ये इशारा कर रहे हैं कि सब कुछ चल रहा है और कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, आप भी यही कह रहे हैं? नहीं, आज के दिन उन्होंने मान लिया था कि हम इसको रिफिल करेंगे, और तब तक नहीं तो डिप्टी कमिश्नर मैडम का ये आदेश आ गया था कि इसको टोटल बंद कर दिया इस ब्लॉक को, जब तक ये बड़े बड़े खड्डे हैं इसको रिफिल नहीं किया जाएगा। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।